गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम आप क्लास 11th में आ गए हैं, है ना। 10th पास आउट करके आई होप सो कि आप लोगों का 10th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, है ना। सबको अच्छे परसेंटेज मिले होंगे, क्लियर। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, आज से 11th क्लास की स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 11th क्लास की स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं मीन्स कि 11th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ की जानकारी भी आपको पहले से ही मिल गई है ना, कि किसको कॉमर्स में जाना है, किसको मैथ्स में जाना है, किसे आईपी लेना है, किसे साइंस लेना है, कौन बायो की फील्ड में जाना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आज हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11th का आपका वीडियो से स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको 11th क्लास में आपको आईपी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जिसका नाम है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। आप इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। आज बच्चों मैं आपको चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बुक का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। बुक का इंट्रोडक्शन मीन्स और सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, है ना, कि आईपी सब्जेक्ट जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स होता है वो क्या होता है और उस किस चीज़ के लिए काम आता है, हम उसे क्यों पढ़ते हैं, ये कॉमर्स के साथ ही क्यों ऐड हुआ है, ठीक है। प्लस इसको पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक रिफ़र करनी है, कौन से मटेरियल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से कंटेंट्स हैं इसमें, है ना, कौन कौन से कंटेंट्स आप इसमें पढ़ेंगे, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो इसकी प्रैक्टिक्स क्या है, प्रैक्टिकल्स क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके साथ पढ़ेंगे, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो चलिए बच्चों आज हम क्लास 11th में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, जो कॉमर्स प्लस कंप्यूटर इट मीन्स आईपी के स्टूडेंट्स लेते हैं। अब आईपी का शॉर्ट फॉर्म आईपी बोलते हो आप उसको, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, है ना, मैं अनुराधा लिखा रहूँ, मैं आपको 11th में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस पढ़ाऊँगी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, कुछ टॉपिक्स आपको तृप्ति दुबे मैम के साथ कवर कराए जाएंगे, ठीक है। मतलब दो टीचर्स आपको इस पूरी बुक को, 11th क्लास की जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की बुक है वो आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने बुक का नाम तो बता, सॉरी सब्जेक्ट का नाम तो बता दिया, ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है। अब आपके मन में एक क्या चल रहा है क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्या होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिक्स आपको नाम से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब देखिए इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों से क्या करना, गैदर करना, है ना, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना। प्रैक्टिसेस इट मीन्स कि आपको उन सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रैक्टिकली क्या करना है, परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखने का मीनिंग होता है कि आप कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को समझा रहे हो, ठीक है। सपोज़ कंप्यूटर में आप जानते हो कि हर चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिकल बेसिस पे चलती है। प्रैक्टिकल बेसिस पे करना मतलब अगर मैंने आपको बोला कि 2 + 2+ करो तो सबको पता है आंसर 4 है, लेकिन फिर भी हम उसे करके देखते हैं, तो इसको करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, उसमें भी स्टैंडर्ड्स कैलकुलेटर आते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेटर्स अलग आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को हम अपने कंप्यूटर में, हम अपनी चीज़ों में कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे बेटा, आज हमारे जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की बुक है, जो हमारे 11th क्लास का सब्जेक्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चले तो आगे चले, आई होप सो कि जो एक बेसिक इंट्रोडक्शंस जो मैं आपको समझाना चाहती थी, है ना, वो आपको क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब हम क्लास 11th में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं। सबसे पहले मैं एक शॉर्टली आपको डेफिनेशन बताना चाहती हूँ, है ना, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। क्यों बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको ओरली बताया,
बट आपके पास रिटर्न नहीं है तो एक छोटी सी डेफिनेशन को अपन देखते हैं। चलिए, देखा मैंने व्हाट इज इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस होती क्या है। अब एक चीज डेफिनेशन के पहले बता दूँ, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस, आपकी बुक का नाम प्रैक्टिसेस है ना, और प्रैक्टिस का वर्ड यूज है मतलब कि प्रैक्टिकल करना, ठीक है। चलिए एक जनरल डेफिनेशन देती हूँ। ये डेफिनेशन आपको क्लियर करने से पहले मैं बता दूँ कि ऐसे कोई डेफिनेशंस नहीं है इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस की, फिर भी मैंने एक नॉर्मली डेफिनेशंस निकाली है ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के बारे में क्लियर हो जाए। क्या लिखा है इंग्लिश में, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस इज अ कोर्स टू गेट विथ द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड ऑपरेशनल हैंडलिंग। आगे पढ़ते, द एम ऑफ द सब्जेक्ट इज टू मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस डिज़ाइन प्रोग्राम एंड डेवलप डेटाबेस ड्राइविंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग GUI, ठीक है, प्रोग्रामिंग टूल एंड RDBMS, ठीक है। इसी को हम एक शॉर्ट में हिंदी में भी देख लें, इसी का फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कंप्यूटर शब्दावली और ऑपरेशन हैंडलिंग से परिचित होने का एक कोर्स है। विषय का उद्देश्य एक छात्र बनाना है, अनुप्रयोगों विकास प्रक्रिया को समझाना, GUI प्रोग्रामिंग टूल और RDBMS का उपयोग करके डेटाबेस संचालित वेब अनुप्रयोगों को डिज़ाइन प्रोग्राम और विकसित करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको आपको इन शॉर्ट में समझाती हूँ। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस इज़ द कोर्स, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो है वो एक कोर्स है किसका, कंप्यूटर का, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है, टू ऑपरेशन हैंडलिंग, जो कंप्यूटर के बहुत सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। द एम ऑफ द स्टूडेंट इज टू मेक अ द एम ऑफ द सब्जेक्ट इज टू मेक अ स्टूडेंट, एक ऐसा सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कि हमको एक ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करना है जो क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना, जो आपके एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब फॉर एग्जांपल कि हमने आपको कहा कि आपको क्या करना है कंप्यूटर में, सपोज़ एक मान लो आपको गेम खेलने का बोला, तो आप उस गेम को विदाउट कोई रूल्स रेगुलेशन खेल सकते हैं क्या, नहीं, पहले आप उस गेम को प्रिपेयर करेंगे ना कि क्या गेम है, उसको कैसे खेलते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, है ना, रेगुलेशंस क्या है, हम इसमें कब लूज हार सकते हैं, इसमें हम कब जीत सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी अंडरस्टैंडिंग या किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना, या तो एप्लीकेशन को बनाना या उस एप्लीकेशन के बारे में जानना, डिज़ाइन प्रोग्राम एंड डेवलप डेटाबेस, है ना, किसी भी प्रोग्राम को क्या करना, या तो डिज़ाइन कर दो या फिर क्या कर दो, किसी प्रोग्राम को डेवलप करना, वेब एप्लीकेशन यूजिंग GUI, GUI जो होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, प्रोग्रामिंग टूल एंड RDBMS। अब इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का एक मीनिंग ये है कि कंप्यूटर में आप नए नए प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति आप ही का सॉफ्टवेयर यूज़ करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कहाँ डिफाइन की जाती है, आपको कंप्यूटर के अंदर। सपोज़ आपने देखा है बच्चों कि अभी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप अभी लॉकडाउन के कंडीशंस में हैं, है ना, अभी आप घर पे स्कूल नहीं आ रहे, ठीक है, तो वहाँ पे आप बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके साथ खेलते हैं या उसमें कुछ रील्स वगैरह डालते, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, है ना, रील्स वगैरह बनाते, तो वो कैसे बनती है, उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, जो सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से आता हो। तो अभी आप किस तरह से सोच रहे हैं, आप सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को सीखते हैं कि इसे कैसे चलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक स्टूडेंट है और उसे गाड़ी चलाना सीखनी है, तो वो क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहे हो। टेंथ तक आपने जो भी कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको उस कंप्यूटर में आप क्या करते हो, सारी चीज़ों को सीखते हो, है ना। जैसे मैंने गाड़ी चलाने का एग्ज़ाम्पल दिया कि एक
एक्टिवा को आपको ड्राइव करना है, तो आप ड्राइव करने से पहले उसे सीखना पड़ेगा ना। तो अभी तक 10th तक आप कंप्यूटर में सारी चीज़ों को ऑपरेट करना सीख रहे थे, ठीक है, चलाना सीख रहे थे। बट स्टूडेंट, जब आप 11th में IP सब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ को बनाना सीखते हैं। सपोज़ मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है, उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, वो क्या कर रहा है, गाड़ी चलाना सीख रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चल, वो गाड़ी चलाना सीख गया, है ना। बट एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 11th क्लास में IP सब्जेक्ट ले रख लिया है, वो उस गाड़ी चलाने को तो सीखेगा ही सीखेगा, प्लस उस गाड़ी को कैसे बनाया जाता है, राइट स्टूडेंट, एक्टिवा को कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी वो सीखता है। कौन सा स्टूडेंट सीखता है, जो क्या करता है, IP 11th में IP लेता है। क्लियर बच्चों? आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का मीनिंग क्या होता है और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस बुक का क्या यूज़ है आपकी लाइफ में, प्लस आपके सब्जेक्ट्स में, यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बुक एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तो दे दिया। चलिए, अब हम काय की बात करते हैं, बुक की बात करते हैं, ठीक है। अब बुक की बात करते हैं तो हम बुक वाले पेज पे चलते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के लिए ही आपको बुक चाहिए, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब हम बुक पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो बुक में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बहुत सारी बुक मिलती है, IP सब्जेक्ट की बहुत सारी लॉट्स ऑफ बुक्स अवेलेबल होती है। बट आप कौन सी बुक ऑपरेट करना चाहते हैं, आप कौन सी बुक चलाना चाहते हैं। अभी तक 10th तक आपने ये देखा था स्टूडेंट्स कि 10th तक आप जितनी भी बुक्स होती थी उनमें टीचर ने बता दिया कि आपको ये वाली बुक चलानी है, वो बुक खरीद के ले आते थे कि नहीं मैम इससे पढ़ाएगी तो हम भी इससे पढ़ेंगे, ठीक है। बट बच्चों, जब हम 11th में आते हैं और सब्जेक्ट्स लेते हैं तो जस्ट इज न कॉलेज, हम किस में इंटर हो गए, एक स्मॉल कॉलेज में। यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हमें कॉलेज की स्टडीज़ को कैसे करना है। तो मैं आपको बहुत सारी बुक्स के नाम बताऊँगी, आप चाहें तो उनमें से कोई भी बुक को आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। मैं किसी के लिए भी आपको बाउंड नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए, मैं अगर आपको एक बुक का नाम बताऊं तो पहली बुक जो है वो नितिन के नायक की आती है, ठीक है। इट्स योर राइटर नेम, बुक का राइटर का नेम है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, कौन सा, नितिन के नायक, ठीक है। नितिन के नायक की बुक आती है, आप इसे ले सकते हैं, बुक बहुत अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलती है। इसमें लॉट्स ऑफ कंटेंट्स है, प्लस अलग अलग डिस्क्राइब करके आपको कंटेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं इसी बुक से पढ़ाऊँगी, मैं भी बहुत सारी बुक्स से पढ़ाती हूँ, ठीक है, जिसमें जहाँ मटेरियल अच्छा मिलता है कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली बुक का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी बुक की मैं आपको एक स्मॉल वाली PDF बुक का फ्रंट पेज दिखाती हूँ। देखिए, अब बुक का मैं आपको क्या करती हूँ, फ्रंट पेज इन द सेंस मैं आपको बुक का वो दिखा देती हूँ, है ना। देखिए, ये है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बुक है, नितिन के नायक है, GPH पब्लिशर है, जिसका क्लास कौन सी है, ये 11th, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है बच्चों, आप चाहें तो ये वाली बुक को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताती इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की नितिन के नायक की बुक, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, आप चाहे तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बुक से परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इसी जो PPT से मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ये PPT एज अ PDF में मैं आपको ग्रुप पे डालूँगी, तो वहाँ से भी आपको इसकी स्क्रीनशॉट, इसकी चीज़ें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बुक का इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बुक के अंदर के कंटेंट्स को समझते हैं, है ना, बुक का सिलेबस की कितनी यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है, कैसे डिवाइडेबल है और उसको आप कैसे वर्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अब,
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखें कि बुक के अंदर के सिलेबस क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, चलिए, है ना, कंटेंट्स क्या है बुक के, तो देख लीजिए। ये बुक का मैंने एक पेजेस लगाया है आपको, जो कि आपका सिलेबस है। ठीक है, अपन यहाँ पे एक शॉर्ट में देखेंगे, फिर आगे की स्लाइड्स में और भी हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी फर्स्ट यूनिट जो है बेटा, उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड यूनिट है स्टूडेंट, जिसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक, थर्ड यूनिट जो है उसका नाम है ब्रीफली ओवरव्यू ऑफ पाइथन। ठीक है, नॉट अ पाइथन, पाइथन नहीं बोलेंगे हम इसको, स्पेलिंग हम ज़रूर पी वाई टी एच ओ एन लिखते हैं, बट इसे हम क्या बोलेंगे, पाइथन। फोर्थ नंबर की बुक है वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी फोर्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट आपकी है अंडरस्टैंडिंग डेटा। ठीक है, क्लियर हुआ। सिक्स्थ यूनिट आपकी ये डेटा हैंडलिंग एंड नम पाए। अब आप सोच रहे हैं नम पाए क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सेवन्थ यूनिट है आपकी डेटाबेस कॉन्सेप्ट, क्लियर। और एट्थ यूनिट है आपकी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, तो मैं आपको एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर बताऊँगी स्टूडेंट्स। पहली जो यूनिट है आपकी, वो तो एक नॉर्मल यूनिट है ना, कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। यस, इमर्जिंग ट्रेंड्स न्यू यूनिट है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पे काम होता है, जैसे रोबोट्स वगैरह कैसे बनते हो। ओवरव्यू ऑफ पाइथन, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। वर्किंग विथ लिस्ट एंड, है ना, ये वाला जो है ये भी पाइथन का है कि आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, डेटा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग नम पाई, है ना, नम पाई क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या होती है, ये इसमें बताया जाएगा। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, मतलब किसी भी डेटा, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसे कैसे स्टोर किया जाता है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SQL एक बैक एंड होता है हमारा, उसका क्या है, टाइप है। चलिए अब हम पूरे चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सारे कंटेंट्स को वन बाय वन अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली ब्रीफली देखते हैं। ठीक है, चल, सबसे पहले कंटेंट्स में हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, है ना। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम था कंप्यूटर सिस्टम, जो कि मैंने प्रीवियसली बताया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इसमें ये पढ़ाया जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कब आई, मेमोरीज, है ना, डेटा कैसे सेव होता है कंप्यूटर में, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन सी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती है, कौन सी चीज़ें एप्लीकेशंस में आती है, है ना, सोशल मीडिया साइट्स क्या होती हैं, वर्किंग साइट्स क्या होती है, अलग अलग जैसे ऑफिस है, टेली है, ये काय में आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको किस में बताई जाएगी बच्चों, फर्स्ट यूनिट में। तो आप फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट यूनिट इट मीन्स बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब आपका इंट्रो है पहली यूनिट का, है ना, मतलब कंप्यूटर का इंट्रो कि कैसे कैसे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको किस पे बतानी है, कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों देखते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट क्या होती है हमारी, इमर्जिंग ट्रेंड्स। क्या होता है इमर्जिंग ट्रेंड्स, तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शंस की होता क्या है। दूसरा इसमें आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए नया वर्ड है, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आप रोबोट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हवा में उड़ने वाली कार के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें काय में आती है, AI में आती है। बिग डेटा, अब आप देखो बिग डेटा क्या होता है, आपने देखा है कि डे टू डे हमारा डेटा का स्टोरेज बढ़ता ही जा रहा है ना, हम मोबाइल्स में गाने हैं, मूवीज़ है, पहले तो हम सिर्फ गाने मूवीज़ रखते थे। चलिए बच्चों, अब हमने बिग डेटा की बात कर ली थी, अब यहाँ पे नेक्स्ट है आप इंटरनेट ऑफ थिंक, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंक के बारे में क्या, अभी तक आपने इंटरनेट में क्या सीखा है कि इंटरनेट क्या होता है, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, व्हाट्सअप कैसे चलाते हैं, दैट्स इट। बट
इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि आप इंटरनेट में कितनी सारी स्टोरेज की कैपेसिटीज़ को रख सकते हो, प्लस उसके बेसिस पे आप कितनी नई चीज़ें इनबिल्ड कर सकते हो, है ना, नई नई चीज़ें कैसे सोच सकते हो और कैसे उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर सकते हो, वर्क परफॉर्म कर सकते हो, आप पर्सनल यूज़ के लिए आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी ये भी नया टॉपिक है आपके लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है क्लाउड, इट मींस बादल। अभी तक हम जितनी चीज़ें करते वो मैनुअली होती थी, लेकिन आने वाले टाइमिंग में हम जो भी चीज़ करेंगे वो सारी चीज़ें कैसी होगी, कंप्यूटराइज्ड होगी, इंटरनेट के थ्रू जाएगी। तो जो भी डेटा हम अपने पास रखते थे एक बिल्डिंग में, एक कमरे में, वो सारा डेटा अब हम कहाँ रखेंगे, गूगल क्लासरूम पे, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे, या फिर हम अपनी खुद की जीमेल आईडी, मतलब सारा डेटा क्लाउडली रखा रहेगा, है ना, जो कि स्टोरेज रहेगा, लेकिन हम उसे एज अ विजिबल नहीं कर सकते जब तक हम उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड से एक्सेस नहीं करते। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रीडी कंप्यूटिंग है। उसके बाद बैक चेन है, किस तरह से हम चेन के थ्रू डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। तो ये आपका कौन सा चैप्टर था स्टूडेंट, सेकेंड चैप्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या है हमारा, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। मैंने फिर बताया है इसे आप पाइथन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पाइथन। पाइथन क्या होती है, तो ये एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड कहते हैं। फ्रंट एंड के बाद अभी तक आपने नॉर्मल लैंग्वेजेस के नाम सुने होंगे, C++, VB या फिर जावा। अब ये इसी से, इन सबसे एडवांस लैंग्वेज है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइथन बोलते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होती है, ना ही कोई कोड लिखना है, ना ही कुछ करना है। अगर आपको प्लस करना है तो A+B लिखो और वो आंसर दे देगा, 2+4 लिखोगे वो आंसर दे देगा। इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज टू ऑल ओल्ड लैंग्वेज, मतलब पुरानी लैंग्वेजेस से ये बहुत इजी है। अब इसी के हम कंटेंट्स पढ़ लेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसके कीवर्ड्स पढ़ लिए, आइडेंटिफायर पढ़ लिया, वेरिएबल से, डेटा टाइप से, ऑपरेटर है ना, एक्सप्रेशन है, इनपुट आउटपुट है, डीबगिंग है, मतलब प्रोग्राम बनाया है ना, तो उस प्रोग्राम को आप कैसे डीबग कर सकते हैं, इसमें फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इफ एल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं। तो ये सारे आप स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स जो होते हैं वो काय में पढ़ेंगे आप पाइथन में, पाइथन लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर नंबर फोर देखेंगे, वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज। लिस्ट विद डिक्शनरी मतलब पाइथन में कोई लिस्ट बनाना है तो कैसे बना सकते, कुछ ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते, ट्रवर्सिंग कैसे करवा सकते लिस्ट की, है ना। आई नो कि बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं, बट जब हम वन बाय वन इन सब को स्टडी करते जाएंगे तो ये बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। जैसे लिस्ट को मैनिपुलेट करना है ना, डिक्शनरी बनाना, ठीक है, ट्रवर्सिंग करना, कोई मेथड्स को यूज़ करना, किसी को मैनुपलेट्स करना, तो ये सारी चीज़ें भी हम काय में पढ़ते जाएंगे पाइथन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम बुक के कंटेंट्स को ही देख रहे थे, हम फोर्थ यूनिट तक के कंटेंट्स को देख चुके, अब हम फिफ्थ यूनिट के कंटेंट्स को देखते हैं। फिफ्थ यूनिट का कंटेंट्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेटा। डेटा को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब डेटा क्या होता है, पहले तो हम इस यूनिट में ये पढ़ेंगे। फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को एक ही समझते हैं, है ना, कि डेटा भी किसी भी चीज़ को बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन भी, बट नहीं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, कौन सी यूनिट में, फिफ्थ में, कि डेटा क्या होता है, डेटा को हम कैसे अलग अलग जगह कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, अलग अलग जगह स्टोर कर सकते हैं, डेटा को हम कैसे प्रोसेस करवा सकते हैं, उसे प्रोसेस करवाने की नई नई टेक्निक्स क्या है, वो हम काय में पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सिक्स यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ NumPy। तो NumPy अरे का वर्ड आता है ना। अब इसकी यूनिट के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब तक आप पाइथन के इंट्रोडक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये वाली चीज़ क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे ये समझ के रखिए कि ये चैप्टर नंबर सिक्स है, जो कि आपको इसमें अरे के ट्रवर्सिंग के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, क्लियर स्टूडेंट्स।
चलिए लास्ट की यूनिट्स देखते हैं। अब लास्ट आपकी 7 यूनिट है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, है ना, कि डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, रिलेशनल सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इन द लास्ट यूनिट ऑफ दिस बुक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज SQL क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये एक बैकेंड है प्रीवियस में ही, है ना, ये बैकेंड होता है, इसमें हम अपने डाटा को कंप्यूटर में किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में, रोज कॉलम फॉर्मेट में, तो ये सारी चीज़ें आपको काय में बताई जाएगी लास्ट यूनिट SQL में। क्लियर बच्चों? चलिए, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज आपको मैंने जो बुक का इंट्रोडक्शन दिया है प्लस बुक की चीज़ें बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम मैंने आपको स्टार्टिंगली बताना भूल गई थी, तो कुछ रेफरेंस बुक है, आप चाहें तो दिनेश जी की गुप्ता पब्लिशन की बुक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो अभिषेक की बुक्सेस आती हैं आप वो भी IP के लिए ले सकते हैं। तीनों बुक्स को मैंने अच्छे से देखा है, सभी के कंटेंट सेम है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज की बुक को परचेस कर सकते हैं, है ना, कोई भी डाउटफुल नहीं है कि आपको नितिन के नायक की बुक लेनी है या फिर आपको दिनेश की बुक लेनी है, अभिषेक पब्लिशन की बुक लेनी है। आप चाहें तो CBSE की बुक्स भी अवेलेबल है, पर उसमें कुछ कंटेंट्स मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, इसलिए आप दिनेश जी, अभिषेक या फिर नितिन के नायक कोई भी बुक को परचेस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।